दुनिया के बड़े और अनसुलझे रहस्यों में से एक बरमूडा ट्रायंगल, एक ऐसी जगह जहां पर हजारों जहाज और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल सालों से अपने अंदर कई रहस्यों को समाया हुआ है जो आज भी अनसुलझे हैं। तो आज मैं आपको बरमूडा ट्रायंगल के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 1964 में बरमूडा ट्रायंगल शब्द विंसेंट एच गडिस द्वारा गढ़ा गया था। उन्होंने ट्रायंगल में गायब होने के अजीब पैटर्न्स पर एक आर्टिकल लिखा। 1970 में बरमूडा ट्रायंगल की बहुत सारी कहानियां सामने आई, उनमें से कई कहानियां नकली निकली जो कि सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उनमें से कई कहानियां सच में सच्ची भी थी क्योंकि उनके सबूत थे। असल में हमें पहली बार बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक जर्नल से पता चली जो कि एक फेमस सी एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने लिखी थी, वो भी 15th सेंचुरी में। उन्होंने अपने जर्नल में बताया कि फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच अंधे की सीमा को छूने के बाद उनका कंपास अजीब तरीके से घूमने लगा। तो चलिए बरमूडा ट्रायंगल के बारे में और डिटेल में जानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा, बरमूडा द्वीप और प्यूर्टो रिको के बीच एक ट्रायंगुलर एरिया है। 100 सालों से यहाँ से डिसअपीयरेंस यानी कि गायब होने के केसेस आते रहे। यहाँ पर करीब हजारों लोग और 100 से भी ज़्यादा शिप्स और एयरक्राफ्ट गायब हो चुके हैं। कभी कभार अगर शिप वापस भी मिल जाता है तो शिप में इंसानों का कोई भी नामो निशान नहीं रहता, और कभी कभी ऐसा लगता है कि उन लोग असल में थे ही नहीं और एकदम पतले हवा में जैसे कि गायब हो गए हो। यहाँ पर गायब होने के पीछे का सच कोई नहीं जानता। आइए बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली एक दुर्भाग्यशाली घटना के बारे में जानते हैं। द घैसली टेल ऑफ मैरी सेलेस्टे। 7 नवंबर 1872 को 282 टन की ब्रिगेटाइन मैरी सेलेस्ट ने न्यूयॉर्क के हार्बर से जेनोवा इटली के रास्ते पर रवाना हुई। जहाज पर कप्तान बेंजामिन एस ब्रिक्स, उनकी पत्नी और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया सहित 8 लोग थे। लेकिन दुर्भाग्यशाली से जहाज को जहाँ पहुँचना था वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाया और वो गायब हो गया। फिर उसे ढूंढने के लिए तलाश शुरू हुई। 1 महीने से भी कम समय के बाद 5 दिसंबर को डी ग्रेटिया नामक एक ब्रिटिश जहाज ने मैरी सेलेस्ट को एजोर्स और पोर्टुगल के बीच पाया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस जहाज में ना ही उस जहाज का कैप्टन, ना ही उसका परिवार और ना ही क्रू मेंबर्स मौजूद थे। सिर्फ उनके कुछ पर्सनल चीज़ें, खाना और लाइफ बोट्स और जो कार्गो उन लोग लेकर जा रहे थे वो सिर्फ यही सब उस बोट में मौजूद था। लेकिन उन लोगों का क्या हुआ और उन लोग कहाँ अचानक से गायब हो गए वो किसी को नहीं पता। इसके अलावा कई ऐसे डिसअपीयरेंस के केसेस हैं जो कि आज तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। चलिए अब बरमूडा ट्रायंगल के 7 थियोरीज के बारे में जानते हैं। थियोरी नंबर 1, डेविल्स ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल को बहुत जन डेविल्स ट्रायंगल नाम से भी जानते हैं। डेविल्स ट्रायंगल मतलब एक शैतानी त्रिकोण। कहा जाता है कि ये किसी शैतान का घर है, जो भी यहाँ पर आता है उससे ये शैतान निकल जाता है। थियोरी नंबर 2, एलियन बेस। बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बेस है, यानी कि एलियन बेस जो कि बाहर की दुनिया से आए हैं। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस जगह पर आसमान में अजीबोगरीब लाइट्स चमकती है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कोई सिग्नल हो और प्लग झपकते ही वो लाइट गायब हो जाती है, और कभी कभी लाइट के साथ बहुत डरावनी आवाज़ भी आती है। इसीलिए बहुत जन मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में एलियन का बेस हो सकता है। थियोरी नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हमें पता है बरमूडा ट्रायंगल के नज़दीक जाने पर ही कंपास या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देता है या अजीबोगरीब तरीके से काम करता है। इसी कारण की वजह से कई शिप्स और प्लेन्स यहाँ पर गायब हो चुके हैं। इसीलिए माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जो कि बरमूडा ट्रायंगल के इस मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ सके। थियोरी नंबर 4, द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस।
बहुत जनों का मानना है कि लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस बरमुडा ट्रायंगल में मौजूद है और शायद उन्हीं की वजह से यहाँ पर शिप्स और प्लेन्स गायब होते हैं और ऐसा शायद उन लोग अपने शहर की रक्षा के लिए करते होंगे। लेकिन इसका असली राज क्या है यह किसी को नहीं पता। अगर आप द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में उसके बारे में बताया है, तो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थियोरी नंबर 5th, ओन बायोस्फीयर। कहा जाता है कि बरमुडा ट्रायंगल का खुद का वातावरण और मौसम है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी तूफान या टोर्नेडोस आ जाते हैं जिनकी प्रिडिक्शन कर पाना भी बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है कि बरमुडा ट्रायंगल का खुद का ही अलग एक बायोस्फीयर है। थियोरी नंबर 6, द टाइम ट्रैवल टनल। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने ट्रायंगल में इलेक्ट्रॉनिक कोहरे का अनुभव किया है जो उन्हें समय व्यतीत करने का अनुभव कराता है। इस इलेक्ट्रॉनिक कोहरे को महसूस करने वाले एक पायलट मिस्टर ब्रूस चर्नन ने कहा कि हमने उस तूफान में से 90 मील की दूरी तय नहीं की थी जैसा होना चाहिए था, बल्कि हमने आधे घंटे का सफ़र 3 मिनट में तय कर लिया था। थियोरी नंबर 7, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कार्यकर्ता का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल के गहराइयों में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है और लोगों का मानना है कि शायद उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही जहाज या एरोप्लेन के लोगों को गायब करते हैं जिससे उनका राज फाश ना हो। और यह भी कहा जाता है कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ख़राब कर दे, लेकिन हमें यह नहीं पता कि इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है। यही थी हमारे 7 थियोरीज बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी थियोरी सच हो सकती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।